कुछ एलियन होते हैं ना जो जिन्होंने ए आई को डेवलप किया है आगे चलकर ए के द्वारा सारी बींग को कैप्चर करना चाहते हैं अच्छा उनकी इनकी गलत नीति है अच्छा, गलत। एलियन की बना रहे। ये एलियन ए के द्वारा बना लेंगे अच्छा कौन क्या सोच रहा है चाहे कोई भी हो धरती का कोई भी मनुष्य चाइना वाले भी अभी सूक्ष्म में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को मार के हम राजा बनेंगे कॉम्युनिस्ट वाले अच्छा हाँ तो और कोविड का भी बाप बना रहे हैं हाँ अभी अभी भी कई ऊपर से आती है सूक्ष्म एलियंस तो वहाँ एक छोटा सा सूक्ष्म में शहर बनाते हैं थोड़े टाइम में रहते हैं दस बीस पचास साल फिर वो गायब हो जाते हैं लोगों को लगता है ये टापू है दिखता भी देश्च है गायब हो जाते टापू गायब हो जाते हैं नाइन्टी एलियन दिखाई नहीं देते दे क्योंकि वो परम तत्वों के परम राइट का इनका यूपे है उनका शहर बनाया है तो वो परम तत्व का है तो कैसे दिखेगा तीन तत्वों को भूतों को नहीं दिखेगा ना तो वृंदावन में भी वो कहते हैं ना कि वो जो मथुरा पता नहीं राधा कृष्ण की डांस होता है वहां रात को हाँ कोई देखता है तो कोई भी देख ले तो आंखें फूट जाती है खराब या मतलब मर जाता है या पागल हो जाता है ये तो होता है ना देखो संभाला का मतलब होता क्या वो तिबेट संभाला तिबेट में था अच्छा ओके मगर आज भी है वहां हमारे धरती पर पहले गोल्ड ज्यादा था सतयुग में जब था ना तो सतयुग में एकदम सतो प्रधान वायुमंडल था तो गोल्ड बहुत ज्यादा था सोने की लंका जलाई माँ पार्वती ने उसको श्राप दिया था इसलिए निमित्त तो बना पूछ हनुमान की पूछ मगर हनुमान की पूछ में जो आग लगी वो साधारण आग नहीं थी वो काल अग्नि थी जिन्होंने वाणी पढ़ी उनमें बोला भाई मृत्यु लोग को भी अमर अमरलोक बनाना है क्या बनाना है तो मृत्यु लोग अमर बनाना माना अमर माना परम परमधाम हमारे वाइब्रेशन इतने जबरदस्त होंगे थोड़े हमारे नौ लाख मिल जाए तो एक दिन में दुनिया बदल बदलते परम शांति का वाइब्रेशन बदल दे वायुमंडल के एक एक सेल में परम शांति हो जो श्वास ले ना आदि सनातन तो कब से है आदि सनातन ब्रह्मा का सौ साल में पहला पड़ा तो ब्रह्मा का एक पचास साल का पहला व्रत पूरा हुआ तो वो तो ब्रह्मांड तो कब से चलता है सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तो कब से चल रहा है तो अभी जो तीन हजार नौ सौ साल में अब्राहमिक जो पूरी चली उनकी नहीं। नहीं। ये सारे एलियन ही है सर चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी वापिस उसी क्वेश्चन पे क्या पृथ्वी पर जिनका राज है वो एआई का दुरुपयोग कर रहे हैं देखो ए आई का कोई भी चीज होती है ना ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एलियन होते हैं ना जो जिन्होंने ए आई को डेवलप किया है वो सूक्ष्म में रहकर वो इन पर आगे चलकर ए आई के द्वारा सारी हूमेन बीइंग कैप्चर करना चाहते हैं अच्छा। इसलिए ए आई बना है आगे चलकर वो कैप्चर कैसे कैप्चर करें मतलब उनके माइंड को उनकी बुद्धि को अब ये ऐसा ए आई के अंदर अभी शुरुआत है ना मगर ए आई के अंदर ऐसी अंत में चीट डालेंगे ये लोग कि हर कोई का माइंड के थॉट पकड़ लेंगे और माइंड के मन को थॉट जो आ रहे हैं वो ए आई के द्वारा कंट्रोल करके उनको हेड कंट्रोल में मिलेगा इनको एलियंस को मिलेगा और वो सबके मन को कंट्रोल कर लेंगे और फिर वो जो सभी के मन को जो भेजेंगे वाइब्रेशन वो सभी का मन वो चलाएंगे ए आई के द्वारा सभी का मन वो चलाएंगे अच्छा हाँ चाहे सुख मन का मनुष्यों का मगर भूत प्रेतों का भी तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा भूत प्रेत तो बेहिसाब है ना मनुष्य भी कई गिना ज्यादा है आज तो आठ तो सौ करोड़ भी तो करना पड़ेगा ना उनके मन को भी तो पड़ेगा ना मनुष्य मगर अभी इनके लिए वो नया सब्जेक्ट है सुक्ष्मोतर में जो भूत प्रेत वाली आत्मा है बे है उनको अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो ये आई फेल हो जाएगा अच्छा हाँ मनुष्य केवल अकल मनुष्य अकेले मनुष्य को कैप्चर करोगे तो मन को कंट्रोल करोगे मनुष्य के समझो 800 करोड़ मनुष्य है आठ सौ करोड़ मनुष्य के मन को इनके द्वारा कोई इन, जैसे ही आप टैबलेट यूज़ करते हो तो उसके अंदर ऐसे सा, ऐसे साधन आएंगे कि वो सभी टैबलेट के अंदर वो ए होगा और वो ए के द्वारा हेड कंट्रोलिंग उसका ये सूक्ष्म में एलियन वो कंट्रोलिंग उनके माइंड के अंदर अपने वेव्स डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी आएगी कि सबके मन को वो प्रभावित करेंगे आप मोम मोबाइल उठाएंगे उनमें ये चीज़ वो सबको डायरेक्शन देकर फिर ये अपने हिसाब से कराएंगे ओके okay. वो जो बनाने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं धर्म के लोगों को या सभी धर्म सभी को सारी दुनिया को, को। वास्तव में वो क्या चाहते हैं सभी को डायरेक्शन देकर वो सुसाइड भी करा सकता है हाँ मतलब वो उनकी इनकी गलत नीति है एलियन की जो गलत नीति वाले जो ए आई तो सरकार क्या करेंगे सरकारें तो होगी ही नहीं खत्म हो जाएगी इनसे पहले ही अच्छा सरकारें तो आपस में लड़कर थर्ड के नजदीक आ जाएगी फिर थोड़ा रोक तो देंगे छब्बीस पच्चीस छब्बीस में करेंगे अभी नहीं वो ना इस, इसका वायुमंडल बन जाएगा चौबीस पच्चीस छब्बीस में और बाद में तो होने में क्या टाइम लगेगा थोड़ा तीन दिन में समय में सब खत्म तीन दिन में ही सब खत्म हो जाएगा चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो चाहे एआई वाला कराए या जो भी कराए वो मगर आगे चलकर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत खतरा है अच्छा सत्ताईस अट्ठाईस बाद में तो बहुत खतरनाक है कोई धर्म गुरु कोई धर्म कुछ, कुछ भी नहीं, नहीं बताएगा ना क्या कर सकता। क्या कर बचाने के लिए बचाने के, के नेगेटिव वायुमंडल है आज आज एक बात बताऊ कोई भी कुछ कर सकता है अनेक धर्म पंथ संप्रदाय है कोई कुछ कर सकता है क्या आज है ना अनेक धर्म धरती पर अनेक धर्म मठ और सूक्ष्म में तो इससे भी कई गुना ज्यादा है मगर सूक्ष्म वाले तो वो भूत पिता भूत की लिस्ट में आते हैं तो वो तो क्या करेंगे वो तो और नेगेटिव बनाएंगे दुनिया और गिराएंगे और गिराएंगे वर्ल्ड वॉर कराएंगे प्रेस करा करा के समझ में आ रहा है तो ये होने वाला है अभी चौबीस थोड़ा चलेगा अच्छा पच्चीस छब्बीस में तो ए, फाउंडेशन पड़ेगा ए आई का एलियन और ए आई का फाउंडेशन पड़ेगा और फिर सत्ताईस अट्ठाईस तो ऐसा रिजल्ट होगा कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजल्ट उनको लाने में तीन दिन लगेगा दुनिया का विनाश करने में तीन दिन केवल ये दुनिया का नहीं ऊपर सूक्ष्म में इतने पड़े पूरे ब्रह्मांड को खा सके ऐसे तो इसमें ज्ञानी लोग लोग क्या करेंगे ज्ञानी ज्ञानी जो अंत में बताऊंगा ये सब बातें लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा अभी बीच में छोड़ो नहीं वो उसकी पूरी विधि जो बेहद के ज्ञानी है बहुत के ज्ञानियों का अंत में विधि वो पहले वीडियो बताई हुई है बेहद के ज्ञान में सारी विधि तो जानते हैं बच्चे चलिए ठीक है तो उनके लिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए आप हाँ तो अंत में सारी विधि जो जो शांति चाहते परम शांति चाहते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं उनकी पूरी अंत में विधि बताएं हु, 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 हु. तो अब एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि हमारे शास्त्रों में जैसे 4320000 साल का एक एक सर्कल बताया गया चार युग का चार युग का लेकिन कई जो गुरु हैं वो वो लोग कहते हैं कि भाई जो साइकिल है वो पच्चीस हजार नौ सौ बीस जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है ने सब बकवास कर रहे हैं अच्छा क्योंकि केवल एक साइकिल चार युग का टोटल का बात नहीं है ऐसे एक हजार चतुर्थयुग ब एक कल्प प्रलय होता है तो समय खत्म हो जाएगा और ऐसे कल्प एक कल्प प्रलय फिर मनवंतर चौदह मनवंतर समय पे आधार उस किस समय पे आधार है ना उस पर तो पूरे वीडियो मैंने बनाया जिनको क ख बी से नॉलेज नहीं होते ना ऐसे बड़े बड़े साधु संत अच्छा। बोले हैं ना स्वर्ग यहाँ सब कुछ यही। बात है तो तो वो क्या होता है कि हर एंड ऑफ साइकिल पर सेंटर ऑफ गैलेक्सी से सोलर फ्लेयर आती है और अर्थ का पोल स्विफ्ट हो जाता है जैसे बीके वाले भी बोलते हैं कि जो ऐसा कर... कुछ नहीं होता अच्छा किसी का दिमाग खराब हुआ है ऐसा बोल रहे हैं जिसको कुछ भी पता नहीं है जिनको ये बी सी का मतलब महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगा से कोई भी सोलर फ्लेम नहीं आती अच्छा समझ में पूरा ब्रह्मांड कवच होता है पूरा हमारा हमारा ब्रह्मांड सोलर सिस्टम भी कवच होता है ये तो इस बार ही बहुत एलियन दूर दूर से बड़े बड़े आए हैं समझ में और समय का जो देखो समय चार युग का टोटल ऐसे एक हजार चतुर्थ युग कल तो ब्रह्मा का एक दीवास होता है ब्रह्मा का सौ साल कितना साल होता है तो समय समय को कोई हेराफेरी नहीं कर सकता कोई भी ब्रह्मा ब्रह्मा भी हेराफेरी नहीं कर सकता ना विष्णु भी कर सकता है ना शंकर भी कर सकता है ना ब्रह्मांड की शक्ति कर सकती है ना निराकार ब्रह्म कर सकता है ब्रह्मांड की आयु फिक्स है जैसे हम कहते हैं ना कि शिव ने बनाया तो शिव इसको कोई भी अप कर सकता है मगर वो जब पावर खत्म हो तो करेगा ना okay. उसके देखो एक कहते हैं मैट्रिक्स माया तो ब्रह्म निराकार ब्रह्म के अंदर एक समय पावर के हिसाब से समय चलता है ना काल चक्र काल माना समय काल माना पावर पाल नगति गति तीन अर्थ होता है ना काल का हुँ, हुँ, हुँ. तो पावर के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड चलता है उसकी गति होती है ब्रह्मांड की गति और फिर विनाश होता है चलिए ठीक है तो एक और क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्योंकि बाबू जी ने जवाब ऑलरेडी दे दिया है जैसे क्वेश्चन था सुपर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी में माइंड मैपिंग इन्वॉल्व है क्या इस टेक्नोलॉजी का आसुरी शक्ति मिस कर सकती हैं इसमें रिस्क फैक्टर क्या है तो ये बापू ने बता दिया कि ए वाले जो माइंड को पकड़ लेंगे ठीक है क्या बैड एलियंस धरती के अंदर नया पाताल बनाया है उन्होंने है बनाया हुआ उन्होंने okay. ओके पानी के अंदर भी है अच्छा अरे धरती के अंदर भी है बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर भी है जहां तक हमारा लावा है ना वहां तक पहुंचे हैं लोग अच्छा लावा में भी रहते हैं ओके बनाए नए नए रिसर्च किया है इन लोगों ने क्या धरती के अंदर बहुत टनल है और अंडरग्राउंड सिटीज भी हैं इन लोगों ने बनाई है अभी, अभी। अच्छा। कई okay. तो तो अच्छा। बार आदिवासियों को ज्यादा पकड़ते जंगलों से अच्छा okay. तो ताकि वहां पता ही ना लगे किसी को तो उनके उन्हें आर्टिफिशियल ह्यूमन अच्छा वो लोग मनुष्य को रोबोट बनाना चाहते हैं कि क्या ये ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस नए पाताल में कौन रहता है क्या गवर्नमेंट को ये पता है इसे कोई रोक सकता है क्या ये बात जो है ना अमेरिका का एरिया 51 वालों को भी पता नहीं है ये बात को तो अच्छा अरे अमेरिका में जो एरिया 51 का थोड़ा कुछ पता लगाने दुनिया को आ, हाँ, मगर ये बात इतनी गुप्त है इतनी गुप्त है कि अभी तक लोगों के दिमाग में थोड़ी थोड़ी आने लगी है अच्छा। और अगले तीन सालों में ये बातें बहुत बार निकल के आएगी अच्छा हाँ, सब बहुत आएगी इतनी बातें आएगी एलियन बोलता एलियन और ए आई तो ये कब से चल रहा है धरती पर अभी शुरू हुआ है खेल okay. तो तो ये सब धरती के अंदर करने की आवश्यकता है एक्सपेरिमेंट अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या धरती पर जो गोल्ड है वो किसी भी सोलर सिस्टम में नहीं है दूसरे कई सोलर सिस्टम में, में अलग अलग तत्व होते हैं हमारे धरती पर पहले गोल्ड ज्यादा था सतयुग में जब था ना तो सतयुग में एकदम सत्यो प्रधान वायुमंडल था तो गोल्ड बहुत ज्यादा था तो गोल्ड तो बाबूजी फिजिकली होगा ना तो, हो तो मगर बाद में धीरे धीरे वायुमंडल प्रधान बन गया ना जैसे रावण का मेल सोने का था ना भी सोने भी के, के द्वारका भी सोने की थी शुरू शुरू में वो कहां मगर बाद में धीरे धीरे वो अंदर वो बनाई थी विश्वकर्मा ने वो दोनों ही वो सही है मगर वो वाइंड अप कर लिया उसने सोने की द्वारका तो पूरी की पूरी वाइंड अप उसका अवशेष तो नहीं मिलेगा थोड़ा कुछ मिलेगा मगर तीन पांच तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है अच्छा वायुमंडल जो देखो सतो रजोतमो वायुमंडल बदलता है ना तो सोना भी लोहा बन जाता है आ, ओके तो यही कि भी गोल्ड की क्या ऐसी पावर थी कुछ पा, पावर गोल्ड की पावर है अभी क्या बताऊं गोल्ड की पावर है तब तो उसकी वैल्यू है ना गो गोल्ड के गहने बहने जो पहनते हैं महलों में रहते हैं सोने के तो बहुत वैल्यू है उसकी उसके वाइब्रेशन इफेक्ट की लोहे के घर में रहो सोने के घर में रहो कितना फर्क पड़ेगा वो तो मन ही रहेगा ना रहेगा तो मन मनुष्य का मन ही रहेगा ना क्या रहेगा नहीं बहुत फर्क पड़ रहा है तो, अच्छा। जो तो पड़ेगा तब लोहा अच्छा। और सोने के चम्मच में खाते हैं थाली थाली में खाते हैं थोड़ा फर्क पड़ता है मगर वहा तो सम्ण। मन तो खराब है ना अभी कलयुग में तुम सोने की थाली में खाओ मगर मन तो कलयुग ही है ना मन तो कलयुगी है ना पर वो तो कहते है ना कि कोले सॉरी गोल्ड सोने में तो कलयुग आ गया था हाँ तो, तो उसमें उस तो उसमें तो जो कलयुग सोने में राजा के परीक्षित राजा के मुगट राजा के राजा परीक्षित तो, के, के में, रा में ही प्रवेश किया उसने कि मैं सोने में तो इस इसी कारण ये रावण का भी खत्म हो गया रावण का तो वो जो मेल है ना रावण का मेल तो पार्वती माता ने खत्म करवा दिया अच्छा ऐसा हाँ उनको उनको श्राप दिया था ना और मेल नहीं मिला ना पार्वती देवी को तो अच्छा तो फिर आग में जला दिया काल अग्नि पैदा करके सोना का मेल जला दिया अच्छा। पार्वती देवी ने अच्छा पार्वती ने क्या धरती के माइन कॉस्मिक पावर कंडक्ट करने की शक्ति है, है मगर गोल से भी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है ऐसा बताते कि काफी एलियंस धरती पर गोल्ड ट्रेड करने के लिए आए थे चुराने के पहले आए थे क्या सतयुग में आए थे तो सोना बहुत था धरती पर अब क्या लेने आए हाँ? वो तो पत्थर हो गए नहीं उसी टाइम आए थे मगर उसी टाइम समय तो उनके हिसाब से फाज चला जाता है ना अच्छा। तो सतयुग में जब आए तो यहाँ वायुमंडल एकदम सतोप्रधान था तो सोने की मात्रा धरती पर आज जो जितना लोहा दिखता है ना सब अंदर में सो, सोना ही सोना भरा हुआ धरती पर ओके। भी बाद में धीरे धीरे वायुमंडल खराब हो गया तो सो, सोना लोहा बनने लगा उसमें अलग अलग कन्वर्ट होता है ना इसलिए मतलब लड़ाइयाँ होती रही है ऐसा कुछ है इतिहास छत्य में तो होता ही नहीं ना ये तो त्रेता में शुरू हो जाती है तो बाबू जी ये द्वारका और लंका एक तो पहला तो फर्क सोने के उसमें फर्क क्या था और लंका सोने की बावजूद कैसे जली देखो सोने की लंका जलाई मां पार्वती ने उसको श्राप दिया था इसलिए निमित्त तो बना पूछ हनुमान की पूछ मगर हनुमान की पूछ में जो आग लगी वो साधारण आग नहीं थी अच्छा। वो काल अग्नि थी अच्छा। और काल अग्नि तो कोई भी सोने को भी जला देती है वो काल अग्नि थी अच्छा और मार पार्वती ने जलाई और सोने की जो द्वारका था विश्वकर्मा ने बनाई थी पहले संकल्पों से बनाई श्री कृष्ण से कहने पर बाद में जब विनाश हुआ तो फिर वो धीरे धीरे तो बाबू जी क्या धरती पर सोल लेस कैरेक्टर जो ह्यूमन ही नहीं है ऐसे लोग हैं जिनमें आत्मा ही नहीं है ऐसे ऐसे भी मनुष्य हैं जिसमें आत्मा ही नहीं है सोललेस मनुष्य कैसे हो सकता है आत्मा okay, ना तो हो तो मनुष्य की कोई वैल्यू की थोड़ी होती है अच्छा ऐसे नहीं होते हैं ओके okay. ऐसा नहीं होता ओके okay. okay. क्या ऐसे मनुष्य को ये चल है ही नहीं तो फिर तो क्या इसका क्वेश्चन है चलो ठीक है तो ये चलता चलते अब क्लोनिंग की प्रोसेस को डिटेल में आप बताओ देखो सकते क्लोनिंग वाली प्रोसेस में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है वो तो फालतू बकवास है ठीक है आगे चलकर ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं चलने वाली ठीक है एल्यूमिनाटी पावरफुल सोल जो पावरफुल डीएनए वाला मनुष्य को आ, जन्म से ट्रैक करते हैं और उसे वो अपने विकृत कार्यों के लिए यूज कर आ, कर लेते हैं उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है कि वो सोल की क्वालिटी स्कैन कर पाते हैं देखो इल्यूमिनिटी माना मायावी असुर सूक्ष्म में भी हैं स्थूल में भी हैं अच्छा मन असुर आसुर वृत्ति वाले जो आसुर वृत्ति वाले मनुष्य हैं इनसे माया देते हैं उनको माया देते हैं माया माना धन दौलत सब कुछ देते हैं और उनसे काम कराते हैं तो वो सूक्ष्म में है तो किसी का भी वो उसके ओरा देख उनको काम कराते हैं ऐसे इंसान पकड़ते हैं मायावी लोग जो असूरी संस्कार वाले मायावी लोग हैं ना मैंने बोला ना पाता लोग से जो असुर धरती पर आए हैं मनुष्य रूप में हैं उनको ये इन्यूमिनिटी वाले उसका ओरा पकड़ते हैं ओरा पकड़कर देखते हैं कि उनका ओरा ब्लैक है नेगेटिव है असुर है तो उनको पकड़ो और फिर उसमें अपनी काम कई आत्माएँ नेगेटिव आत्माएँ उसमें घुसा देते हैं और अपना काम शुरू करवाते हैं एल्यूमिनिटी वाले है तो असुर ना तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्या उल्लू जो पक्षी है वो नेगेटिव है पक्षियों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ये तो कौवा है तो कैसा है आ, वो तो लोग <laughs> क्या है वो तो शास्त्रों में भी उल्लू को लक्ष्मी है? का वाहन बना दिया मगर वो रात को देखता है हुँ, हुँ, तो उल्लू शास्त्रों में उसका गायन है कि उसको उल्लू को तुम मतलब उसको सतोपदान बता दिया उल्लू को भी वाह लक्ष्मी का वाहन है तो ये सब चीजें वो उल्लू जो है वो कौन से देश का पक्षी भी है पता नहीं शायद पता कई है जैसे हमारा मोर है ऐसे हाँ हाँ तो ओरिजिनल ह्यूमन क्लोन्स और एआई जनरेटेड ह्यूमंस में क्या अंतर है देखो एआई है वो फास्ट कोई भी काम करा सकता है उसमें क्लोन हो या कोई भी रिसर्च करानी हो तो उसमें फास्ट काम होता है नहीं ये लिखा है कि जो ओरिजिनल ह्यूमन मनुष्य जो है ओरिजिनल मनुष्य फिर जो उसे क्लोन किए हुए मनुष्य और तीसरे एआई से बने हुए ह्यूमन उसमें देखो अंतर। तीन प्रकार के मनुष्य हैं ओरिजिनली हाँ। जो मनुष्य थे जो सनातन वाले कई ब्रह्मांड के पहले परा से चले आ रहे हैं खरबों साल से चले आ रहे हैं उसमें कोई क्लोन नहीं है क्लोन बना रहे हैं तो दूसरे आज साइंस वाले क्लोन बना रहे हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियल पावर आ जाती है उसमें सूक्ष्म जगत की जब ये क्लोन बनाते हैं ना तो उसमें कोई सूक्ष्म जगत की कोई आत्मा उसमें आ जाती है और वो उसका क्लोन बन जाता है और जो एआई के द्वारा बना रहे हैं वो क्लोन आगे आगे ये रिसर्च वर्क इनमें तो ये हो रही है ना ये आई करा रहे हैं कि क्लोन के द्वारा ये नए अपने मन इंसान बनाए क्लोन के द्वारा इसलिए उसमें बहुत स्पीड में ये लोग रिसर्च करते हैं ये आई कहते तो बना पाएंगे कभी अभी कोशिश कर रही है रिसर्च वर्क पानी के अंदर जमीन के अंदर हर जगह ये लोग एलियंस रिसर्च कर रहे हैं मगर उनका आत्मा चाहिए न एलियन बनाना है तो आत्मा चाहिए ना ये चाहिए। ये रोबोट थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक पावर से चलेगी हाँ चलाने के लिए तो आत्मा ही चाहिए ना तो आत्मा कैसे बनाए मगर मेरा जो ख्याल है ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं नहीं इनके पास तो ज़्यादा पावर है पकड़ पकड़ के अंदर आप डाल देंगे हाँ भूत भूत कर सकते हैं हाँ, ना अपनी पावर तो से तो एनर्जी से तो ये तो ऐसे किराए पे लेके अपने ऐसी मगर वो अपनी पावर को यूज नहीं करना चाहते हैं ये बहुत पावरफुल है ना ये लोग ए आई वाले सॉरी एलियंस एलियंस वा ए आई अरे वो कमज़ोर आत्माओं को पकड़ के सूक्ष्म पकड़ के वो पैदा करना चाहते हैं नहीं वो वो खुद भी तो कर सकते हैं ना उनके पास भी तो बहुत पावर है तो वो तो मगर वो इतनी पावर है कि वो यहाँ नहीं यूज़ कर कर सकते ना बोले इतनी हाई पावर कहाँ ये डालेंगे उसमें ओके इसलिए कमज़ोर सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो है ना भूत प्रेत पिसार इनको पकड़ पकड़ के ऐसे डाल देंगे उसमें वो बनाएंगे जरूर बना सकते हैं शुरू भी करेंगे देखेंगे मगर उससे पहले तो दुनिया की हालत इतनी खराब होगी कि ये एलियंस भी ये सब कुछ देख के भाग जाएंगे एलियंस भी भागेंगे सब कुछ रोबोट बोबोट सब छोड़ के भागेंगे दुनिया इतनी महाविश्व परिवर्तन होने वाला है ये।, तो ये सब होने वाला है मगर इससे पहले हाँ ये तो पॉजिटिव बात आपने बताया ना कि पॉजिटिवली परिवर्तन होगा तब ये सब नेगेटिव भाग जाएंगे अच्छा नेगेटिव एलियन हो सब कुछ तो इसका मतलब ये है कि जब दुनिया में सबको ऐसा दिखाई देने लगे आपका कम ऐसे दुनिया तक पहुँचे और उनको लगे कि हाँ दुनिया में ये चीजें हो रही है तो उस वक्त उनको परम शांति के बारे में पता हाँ तो लोगों को शांति चाहिए तो परम शांति सोचना बोलना पड़ेगा आत्मज्ञान लेना पड़ेगा बेहद के परम पिता को याद करेंगे इनको पता लगेगा कि ये धर्म पिता धर्म गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे ये ज्ञान दुनिया तक जाएगा तो असल में तो आत्मस्वरूप बनेंगे तो सबको पता लग जाएगा हमारी वीडियो सुनेंगे तो आत्मस्वरूप बनेंगे तो पर परम शांति के वाइब्रेशन से ये लोग नेगेटिव धीरे धीरे बंद कर देंगे अच्छा हमारे वाइब्रेशन इतने जबरदस्त होंगे थोड़े हमारे नौ लाख मिल जाए तो एक दिन में दुनिया बदल दे परम शांति का वाइब्रेशन बदल दे वायुमंडल के एक एक सेल में परम शांति हो जो श्वास ले ना अभी नेगेटिव जा रहा है ना प्राणमय शरीर प्राणवायु में नेगेटिव भरा है ना रिकॉर्ड अशांति भरी है तो लोगों को अशांति मिलती है ना प्राणमय शरीर में अशांति शरी जाती है तो सूक्ष्म शरीर अशांत हो जाता है तो मन अशांत हो जाता है ऐसी तरह परम शांति के श्वास में जो परम शांति के वाइब्रेशन श्वास में जाएंगे तो प्राणमय शरीर परम शांति से भर जाएगा उसका हो रहा स्वास्थ्य के द्वारा वो नहीं बदलेगा तो श्वास बदल देगा जब भी अभी अच्छे इंसान को भी नेगेटिव बना रहे हैं ना नेगेटिव वायुमंडल श्वास के द्वारा प्राण में शरीर में स्वास्थ्य नेगेटिव क्रिएट कर देता है तो मन खराब कर देता है अच्छे इंसान को भी मन खराब कर देता है तो ये सब आने वाला ये हलचल होने वाली है सब लोग ढूंढेंगे ना शांति के लिए भागेंगे ये देखेंगे तब ऐसे भागेंगे ऐसे भागेंगे तो बाबू जी यहाँ पे जो बेहद की आत्मा आई है उनके अंदर तो अनंत कला की पावर है तो बेहद की कला की पावर है उसकी आत्मा में मगर जगाते नहीं ना ऊपर आवरण लगे हैं ना तो भी तीस चालीस कला के एलियन तो कुछ ही नहीं कर पाएंगे ना मगर पूरी जगह नहीं पाएंगे ना पूरी जगह नहीं पाएंगे ना हमने बीस हमें पहले दस कला अभी बीस कला की एक लिमिटेशन रखी हैं ताकि ये यहाँ भी एक बीस कला का हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो बेहद की आत्माएं हैं लाख की आत्माएं हैं वो आत्माएं है एकदम बीस कला की परम लाइट का गोला बना दें पूरे पूरे धरती के ऊपर पूरा पूरा, पूरा ब्रह्मांड का और ये ये ब्रह्मांड को पूरी धरती को जो जिन्होंने वाणी पढ़ी उनमें बोला हुआ है मृत्यु लोग को भी अमर लोक बनाना है क्या बनाना है तो मृत्यु लोग अमर बनाना माना मना परम परमधाम तो जहाँ परम शांति परम धाम परम शांति परम सुख मिलेगा तो ये आगे आने वाला समय में ये धरती अमर लोक बनेगी बेहद की आत्मा बनाएगी अपनी ओन पावर से बेहद के परम पिता से पावर लेकर आत्मस्वरूप बनकर ये पावर परम शांति के वाइब्रेशन से ही बनेगी ये ये इम, मृत्यु लोग भी अमर लोग यहाँ ही बनाना है पहले यहाँ ही बनेगा तब ये लोग रहेंगे ये डाइल्यूट हो जाएंगे सर ये जो लास्ट में कहना था अभी कह दिया मैंने लास्ट में जो कहना था कह दिया इशारों की भाषा है ना हमारी वीडियो देखो जो होने वाला है महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा पार्ट वन एंड टू उसमें सब बातें बहुत डिटेल में बताइए ना हमने बहुत डिटेल बाबू जी एंटार्टिका के रहस्य बहुत ऐसा सर्च करते हैं तो क्या इंसेंट टाइम में कभी धरती की रचना ऐसी थी कि भारत एंटार्टिका का भाग था क्या वहाँ पर बेड इलियंस ने चौदह लेयर में डीप ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की लैब बनाई है क्या एंटार्टिका हिटलर का कुछ उनका कनेक्शन है क्या जर्मन ने नाजीस मनुष्य नहीं नहीं थे देखो जो आज का एटलांटिका है न उसके सागर के तले पे तो काम हो ये एलियन घुसे हुए हैं ना काम कर रहे हैं और जो जर्मनी का जो नाजी है ना ये राज्य क्या नाम जिसने नाजी, सेक, नाजी। सेकंड वर्ल्ड वॉर कराया था तो ये ईसाई था ना इसने तो नाजियों को तो था था या नहीं था पहले तो मैंने आपको क्या बोला है कि ये जो तीन हजार नौ सौ साल में जो इब्राहिम धर्म वाले जो भी आए हैं वो सारे एलियन ही है ओके। तो एलियन कैसे होते हैं एक दूसरे को मारते हैं अच्छा एक दूसरे को मारते हैं अच्छा तो आप देख रहे हो सब मुझे कहने के तीन हजार नौ सौ साल से हिस्ट्री देख लो यहूदी देखो ईसाई देखो चाहे मुसलमान देखो शिया सुन्नी ये सब प्रोटोन नॉन प्रोटो ये सब चारी। देखो ये भारत का हिस्सा भारत तो एंटार्टिका कुछ था कनेक्शन देखो ये जो कह रहे हैं ना कि भारत का वहां से टूटकर अफ्रीका से हिस्सा आया कोई कहता है अफ्रीका से आया पहले अरे भाई कोई टूट के नहीं आया ये धरती जो बनी है पहले जो जिनको राजा होते थे ना ऊपर स्वर्ग लोग में रहते थे तो ऐसे पहाड़ होते हैं स्वर्ग में भी पहाड़ होते हैं माँ लोग जन लोग तक लोग ऊपर ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी में भी ऐसी दुनिया होती है ना अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी हैं तो जिनको यहाँ धरती पर अपना पहाड़ बनाना है तो कोई पावर लेकर आत्मा आती एक संकल्प करती है तो हिमालय किसी एक ने हिमालय राजा ने ही बनाता है हिमालय संकल्पों से पहले परत का है वो कोई अभी पांच करोड़ साल का कर नहीं है हिमालय तो, तो ये स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है ना कि धरती ऐसे टकराई हाँ, ये सब कुछ ये टकराई ने प्लेट दो प्लेटेड ने दो, दो प्लेटेड ने, प्लेटे ने उसमें से पहाड़ बन गया नहीं हो गया ऐसा नहीं होता जैसे नदियां है गंगा माँ है तो जमुना माँ है सूर्य देवी पुत्री है ना जमुना सरस्वती ये सब देवियां है ना तो उन्होंने अपनी पावर थोड़ी डाली ऊपर से और जल बहा दिया और नदियाँ बनाई पहाड़ बनाए, बनाए। धरती पर जो सात द्वीप बनाए थे जम्मू द्वीप भी था आज का जम्मू द्वीप तो ये सभी सात द्वीप था धरती पर तो ये बनाने वाले लोग देवता थे असुर देखो मेरू पर्वत भी किसने बनाया मेरू नाम का आत्मा थी ना उसने मेरु पहाड़ बना संकल्प किया पहाड़ बना दिया नदियाँ बनाई पहाड़ नदियाँ ये सब ऊपर वाले सूक्ष्म जगत वाले देवताओं ने धरती पर जो पहाड़ नदियां हैं वो उन्होंने बनाई है अच्छा वो ऐसे नहीं वो जो साइंस वाले कहते हैं ना ऐसे नहीं बनी है चले ठीक है अब आगे बढ़ते कि यूएसए में अच्छे एलियन ने आकर वॉन किया था आ, इवन ऐसा बताते हैं कि एटलांटी एंटार्क्टिका में हाई फ्रिक्वेंसी की क्रिस्टल सिटी है जहाँ यूएसए के मिलिट्री जनरल को ले जाकर न्यूक्लियर रिसर्च को बंद करने का मैसेज ह्यूमानिटी को देने के लिए दिया गया था लेकिन यूएस गवर्नमेंट में यूएस यु, गवर्नमेंट ने डरा कर सबका मुंह बंद कर दिया और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो चालू रखे देखो ये एटलांटिक सागर है ना एटलांटिक जो सागर है एटलांटिक सागर उसके तलवे में तो ये सब कर रहे हैं ये लोग जो ये सिटी बोल रहा है ना उसके तलवे में पूरी सिटी है ये तो बता रहे हाई क्या बोलते हैं अभी इंग्लिश शब्द है ना सब उसी के तलवे में है ना अच्छा ओके okay. मगर एक बात बताऊ ये जो इतना फेमस आज की तारीख में आज का नहीं है सतयुग से फेमस है क्या ये जगह अच्छा हाँ मैंने उस पर एक पहले के वीडियो में बोला हुआ है ये अभी अभी भी कई ऊपर से आती है सूक्ष्म एलियंस तो वहाँ एक छोटा सा सूक्ष्म में शहर बनाते हैं थोड़े टाइम में रहते हैं दस बीस पचास साल फिर वो गायब हो जाते हैं लोगों को लगता है ये टापू है दिखता भी है गायब हो जाते टापू गायब हो जाते हैं नहीं वो ठीक है लेकिन आज तक वीडियो में आपने ये नहीं बताया कभी कभी एक वीडियो मैंने बताया टापू गायब जार्णी टापू के टापू टापू के टापू गायब हो जाते हैं अच्छा तो लोग सोचते हैं कि यहाँ तो टापू था कल मैंने देखा आज कहाँ है हाँ वो ये लोग बताते हैं ना समुद्र में बैठ जाता है डूब जाता है नहीं ऐसा नहीं होता ये सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है मतलब एलियंस

तो कोई सत्य धरती पर कोई रहता नहीं था पाँच सत्युग का सत्रह लाख अट्ठाईस हजार साल का जो समय था सत्युग का सत्यु तो पाँच लाख साल धरती पर तो लोग यहाँ एक गार्डन था अच्छा। स्वर्ग लोग से लोग आते थे घूमने अच्छा। फिरने गार्डन में जाते ना ऐसे तो कोई रहते नहीं थे यहाँ बाद में फिर उन्होंने सूक्ष्म सिटी बनाई थोड़ी 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 सूक्ष्म में तीन तत्वों में ये शहर बनाए थोड़ा बाद में धीरे धीरे पांच तत्वों में ये कन्वर्ट हो गया तो ये तो पहले का ही है सूक्ष्म और थूल तो अभी भी सूक्ष्म में ऐसी सिटियाँ हैं सूक्ष्म में धरती पर पहाड़ों में नदियों में सागरों में कि ये लोग एलियंस रहते हैं सूक्ष्म में कई दिखाई देते हैं 99% एलियन दिखाई नहीं देते क्योंकि वो परम तत्वों के लाइट का इनका योपे है उनका शहर बनाया है तो वो परम तत्व का है तो कैसे दिखेगा तीन तत्वों को भूतों को नहीं दिखेगा ना भूतों को भी नहीं दिखेगा वो तो बाबूजी भूतों के बारे में भी हाँ भूतों के बारे में आपने बताया था ये बात मुझे अब याद आ रही है कि जैसे राजस्थान के कुछ ऐसे गांव प्रसिद्ध है जहाँ पे रातों वो जो है वहाँ पे पूरा तमाशा होता है बहुत बड़ा वह रातों रात वहाँ पे ऐसा होता है कि पाँच लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा गांव बस जाता है वहाँ पे सब रातों रात सिटी बन जाती है फिर कोई अगर मनुष्य चला जाए तो देख के वंडर हो जाता है फिर वो गायब भी हो जाता है रात को रातों रात तो रात में ही बन जाता है रात में ही गायब हो जाता है ये चीजें आपने बताई एक तो ये और भूतों भूतो की वीडियो में आपने बताया था ये एलियंस के बारे में नहीं बताया था हाँ तो भूत प्रेत जैसे पूरा गांव का गांव गाँग, कोई राजा ने मार डाला था ना या उन्होंने सुसाइड करके गांव मर गया अब तो वो रात को भूत आते हैं अपना पूरा जड़वा दिखाते हैं फिर दिन को गायब हो जाते सूर्य की रोशनी में गुप छुप जाते पहाड़ ये आसपास में जो झाड़ पेड़ होते हैं ना उसमें छुप जाते छोटा रूप धारण करके आज भी ऐसा होता होगा हाँ हाँ हो, हर जगह होता है कहाँ जाएंगे उनको मुक्ति तो मिली नहीं ना ये गाँव वाले भूत प्रेत जो हैं तो रात को आएंगे गाँव जो देखेगा कोई तो देखे हाँ ये तो पूरा गाँव खाना पीना जो चल रहा है ये तो भूत प्रेत मनुष्य बन गए ना तो बाबू जी क्या ऐसे सच में क्योंकि ये तो हमने बहुत स्टोरिया सुनी है रियलिटी में ये होता है मतलब धरती का मनुष्य जैसे ऐसे भूत वाले एरिया में चला जाता है तो वो जाके सब कुछ देखता है वहाँ पे वहाँ खाना भी खाता है मजे भी करता है पूरी दुनिया वहां देखता है और जब भूत तो उनका टाइम पूरा तो चार बजे चले जाते हैं लोग फिर वाइंड अप कर लेते हैं ये सूक्ष्म होता है सुप तीन तत्वों में होता है तो वाइंड अप कर लेते हैं तो वृंदावन में भी वो कहते हैं ना कि वो जो मथुरा पता नहीं राधा कृष्ण की डांस होता है वहां रात को हां हा, हा, कोई देखता है तो कोई भी देख ले तो आंखें फूट जाती है खराब या मतलब मर जाता है या पागल हो जाता है ये तो होता है ना राधा कृष्ण जैसे देखो राधा कृष्ण जैसे कृष्ण के 16108 रूप थे तो उसमें कुछ साकार ही कुछ आकारी हैं तो वो रूप धारण करके वहां राधा कृष्ण का डांस होता है समझ में तो तो फिजिकल फॉर्म तो नहीं लेते सिर्फ आकारी रूप में ही होते हैं आकारी रूप में होते हैं okay. क्योंकि कृष्ण जो कुछ आत्माएं कृष्ण ऊपर के लोक में जैसे गोलोक में विष्णु के लोक में भी कृष्ण होता है ना तो वहां रासलीला होती है ना हुँ, हुँ, ऐसे कृष्ण के कोई रूप होते हैं तो वो दूसरे लोक में भी रासलीला करते हैं यहाँ से कोई कृष्ण भक्ति वाले वाले आत्मा चलो ये तो हो गई भूत वाली बात जो हमें इसमें नहीं करनी थी पर आ गई पर अच्छी बात आ गई पर ये एलियंस का क्या इसमें कुछ और फर्क है एलियंस आज धरती पर भूत प्रेत एलियंस को देख सकते न, भूत प्रेत नहीं देख सकते एलियंस okay. क्योंकि वो परम तत्व वाले है अच्छा ठीक है तो थीके, जैसे मनुष्य भूत को देख सकता है भूत तीन तत्व वाले है वो परम तत्व वाले है तो तीन तत्व वाले परम तत्व वालों को देख नहीं सकते ठीक है अपनी एक लेवल के लोगों को ही देख सकता है तो एलियन आज धरती पर धरती के अंदर सागर के अंदर पहाड़ों के अंदर चारों ओर एलियन बैठे हुए हैं रिसर्च वर्क हो रहा है हमारा पूरे ग्रहों को कैप्चर किया है पूरा ब्रह्मांड को कैप्चर किया है हमारा ब्रह्मांड एक प्रकाश वर्ष तक मना वन एटी एट खरब किलोमीटर की चारों ओर वो दूर दूर से आए एलियंस अपने यूएफ़ लेकर बैठे हुए हैं और ये धरती पर भी रिसर्च करने वाला है क्या होने वाला है क्या नहीं ये अभी बता नहीं सकते हम आने वाले समय में देखेंगे हाँ वो तो क्योंकि वो हमारे एक लिमिटेशन है बताने की मैं नहीं बता सकता नहीं, नहीं वो तो बात सही है मैं सबूत देख सकता हूँ मगर ज्यादा बोल नहीं सकता नहीं, नहीं, वो तो ठीक बात है आपकी तो आ, अच्छा मैं फिर से वही पुराने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ मैं ना पहले टीबी जोशवा और मैं आपको पता है टी बी जोशवा एक चर्च में वो थे हेड थे उनके और वो भूत निकालने का काम करते थे तो वहाँ के लोगों के मैंने इंटरव्यू सुने थे टी बी जोशवा तो अब ऊपर चले गए तो वो इंटरव्यू में एक लड़की बोल रही थी कि जो उसके अंदर एक भूत था वो बोल रहा था कि मैं रेड सी से आई मैं उस वक्त सोचता था कि ये लोग ये लाल समुद्र से क्या आए मतलब क्यों तो कर रहे हैं क्या कर कोई है? भी चाहे दूर के समुन्दर से आए पहाड़ों से आए मगर भूत प्रेत प्रत तो में घुसते हैं ना सब है है कहीं भी तो बात तो वो मुझे ये टैली हो रही थी इसलिए मैं बीच में बोल पड़ा कि चलो ये बात भी सही है अच्छा क्या ऐसी क्रिस्टल सिटी जिसे सिटी ऑफ संभाला कहा देखो संभाला का मतलब बताता क्या वो तिबेट में संभाला तिबेट में था अच्छा ओके मगर आज भी है वहां तिबेट में है ना जो चाइना ने कब्जा किया है जहाँ हमारा हिमालय जहाँ महादेव रहते हैं ना शंकर पार्वती तो पूरा ये संभाला माना सूक्ष्म जगत की आत्माएं अपने अपने बड़े बड़े गोले में साधना कर रही हैं वो संभाला है कोई स्थूल मनुष्य नहीं होते वहाँ तिबेट में कि भी संभाला नाम का गांव है वहाँ स्थूल मनुष्य रहते ये भी हैं एलियन नहीं हो तो हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं वो कोई एलियन नहीं अच्छा। है एलियन हाँ। तो तीन हजार नौ सौ साल वाले अब्राहमिक की है अच्छा ये तो हमारे आदि सनातन देवी देवता वाले जो आत्माएं थी बेहिसाब आत्माएं हिमालय में जो तपस्या कर रहे हैं और वो सूक्ष्म में तपस्या करते जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में भी हैं, बद्रीनाथ में विष्णु को मानने वाले भी जो होता है तो जो बहुत पक्का हो जाते हैं तो उसको विष्णु प्रत्यक्ष होकर उसको एक रूप आता है वो तो उसको बद्रीनाथ से डेली एक विमान जाता है विष्णुपुरी डेली दो विमान जाता है शिवपुरी अच्छा अभी अच्छा। थोड़े दिन से रुक दिया है दो तीन महीने से अच्छा बाकी डेली एक दो यान एक मानसरोवर से भी चलता है एक यान क्यों पर शिव की परमिशन से जिनको शिवपुरी जाना है अच्छा। शिव ने पूरी कई जन्मों से तपस्या की है अच्छा। अनेकों जन्मों से शिव 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 शी� शिव किया है तो फिर वो मर जाता है तो भूत बनकर फिर केदारनाथ जाता है केदारनाथ से ऊपर जाके फिर मानसरोवर जाता है मानसरोवर फिर शिव की तपस्या करती हैं तो ऐसी खरबो आत्माएं पूरे हिमालय में तीन हज़ार किलोमीटर की रेंज में चाहे जम्मू काश्मीर हो चाहे कहीं भी हो वहाँ भरे पड़े हैं तिबेट में भी भरे पड़े हैं मगर वो दिखाई थोड़े देंगे वो तो ऊपर शिवपुरी जाने के लिए तपस्या करते हैं तो डेली एक दो यान जाते हैं ऊपर एक यान जाता है मानसरोवर से एक यान जाता है केदारनाथ से एक यान जाता है विष्णुपुरी बद्रीनाथ से कभी कभी एक या न हमारा द्वारका से भी जाता है जो वहां भी बहुत तपस्वी सूक्ष्म में तपस्या करे दस किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में गोला है द्वारकापुरी के ऊपर उसमें बहुत विष्णु को मानने वाली आत्माएं तपस्या करती है कृष्ण के रूप में उनको पता है ना मीरा ने यहाँ समा गई थी मूर्ति में द्वारका में मीरा मीरा समा गई थी ना पर वो तो वहां था ना मीरा का तो ये द्वारका में द्वारका में अंत में आई थी समा गई थी द्वारका के मंदिर में तो है ऐसे आज भी सूक्ष्म प्लेन चलते हैं। अच्छा। अभी थोड़ा सा रोका है दो तीन महीने से सबको नीचे उतार रहे हैं सनातन को फैलाने के लिए अच्छा। सनातन बढ़ाने के अगले लिए अगले साल फिर इलेक्शन में चौबीस में मोदी आएंगे सनातन में तो वो करेंगे ना सनातन वाले रहे हैं। भूत प्रेत सब आओ और सनातन को फैलाओ अब पीएम ही बनेंगे फिर से मोदी अब देखो करना तो वही चाहिए टू थर्ड मेजोरिटी से आएगा तो काम होगा ना क्योंकि पच्चीस छब्बीस से तो कुछ काम ही नहीं होगा ना फिर तो धर्म के नाम पर अधर्म इतना शुरू हो हो जाएगा फिर तो हो जाएगा फिर तो okay. तो बहुत मुश्किल ठीक है चाइना ने अपने सिटीजन के माइंड पावर माइंड पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो अब ह्यूमन नहीं रहे क्या ये सच है चैनल नास्तिक वाली आत्मा है उसकी आत्मा में जो उसका मन है ना माइंड पावर मन है मन एकदम तमोप्रदान बन गया है तो मन जब तमोप्रदान बन जाता है तो उसको मनुष्य नहीं कहते फिर वो जानवर कहते हैं उसको इसलिए जानवर खाते हैं जानवर बुद्धि वाले जानवर खाते हैं okay. जैसे जिसकी बुद्धि तो बुद्धि मन संस्कार ऐसे हो गए हैं तो उसको क्या कहेंगे तो आज तो मिलिट्री में तो वो लोग भी पूरी दुनिया पे फैलना चाहते हैं चाइनीज हाँ तब तो ये सब करते हैं ना ये कोविड बोवल मैंने नहीं बनाया था वीडियो दो में कोविड से उसने बनाया था अभी बना रहे अभी चाइना वाले भी अभी सूक्ष्म में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को मार के हम राजा कर बनेंगे कम्युनिस्ट वाले अच्छा हाँ तो और कोविड का भी बाप बना रहे हैं हाँ उनके पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ सा? ये साइंस उनके साइंटिस्ट बनाते हैं ना एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी तो ये दी थी अमेरिका वालों ने अमेरिका कैनेडा जो यूनिवर्सिटी है ना उनकी साइंटिस्ट इन्होंने रिसर्च पर किया था चाइना में और इनसे ये चाइना वालों ने चुरा लिया टेक्निक और फिर कोविड बन गया एक्सपेरिमेंट ही बन गया ना इसलिए तो अमेरिका वाले बोल नहीं पाए ना क्योंकि इनके साइंटिस्टों का ही रिजल्ट है अच्छा चाइना वालों के बना उनकी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो बाहर निकल गए कोविड और मल्टीप्लाई होता है वो तो मल्टीप्लाई होकर फैल गए चारों ओर फट गया तो इसलिए तो अमेरिका वाले भी नहीं बोल पाए क्योंकि अमेरिका को पता था कि चाइना का वहाँ जो लैब में से निकला हुआ है चाइना की लैब में से निकला है अभी भी कर रहे हैं अमेरिका भी कर रहे हैं क्या दुनिया में आज की डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि इस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति क्या सोच रहा है वो अभी नहीं। नहीं। एलियन ए के द्वारा बना लेंगे कौन क्या अच्छा। सोच रहा है चाहे कोई भी हो धरती का कोई भी मनुष्य धरती का कोई भी मनुष्य जिनके पास आत्मज्ञान है और आत्मस्वरूप में स्थित होकर जिन्होंने अपने ओरा को सील किया है वो ही अपने संकल्पों को कोई रेड नहीं कर पाएगा अच्छा बाकी सभी मनुष्यों के संकल्पों को ये एआई द्वारा रीड कर पाएंगे एलियन और उनको फिर अपने मन के द्वारा कंट्रोल करेंगे आपका मन भी पढ़ लेंगे मेरा तो मैं तो ओरा में रहता हूँ तीन आगे तीन फूटे मेरा तो कोई संकल्प पकड़ ही नहीं पाता ऐसे बच्चों को दिखा देंगे जयपुर का ओरा गिफ्ट में नहीं दिया है बच्चों को जीप में छ फुट का ओरा बच्चों को देंगे तो यही तो कारण है कोई तुम्हारा संकल्प पकड़ ना पाए जहाँ ओरा सील हो तो।, तो सब आगे ज्ञान बताएंगे ना सब ओके okay. तो आगे बढ़ते हैं अब ये क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ग्लोबल वार्निंग वार्निंग का जो एजेंडा है ये कौन चला रहा है सूक्ष्म जगत वाले जो भूत प्रेत है ना इनको चाहिए नेगेटिव वायु क्या चाहिए उनके सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व तो है ना भूत प्रेतों में नहीं। नहीं। तो नेगेटिव सोच वालों को नेगेटिव वायु चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये नेगेटिव चाहिए इसलिए ये भूत प्रेत ये उनको वायुमंडल को नेगेटिव बनाने के लिए इन्होंने ये सारे ऑयल करवाए ऑयल के बनवाए ऑयल के कोयला बनवाया वायुमंडल भाय। तो तमोप्रधान तो इन लोगों ने बनवाया किसने भूत प्रेतों ने बनवाया अच्छा हाँ ताकि इनको तो मज़े हो जाए ना मगर अच्छा इंसान तो जी नहीं पाएगा ना आने वाले समय में अब एलियन क्या चेंज करेंगे हम खुद ने जो बनाया है इतना वायुमंडल प्रधान तो क्या ये क्लाइमेट चेंज करेंगे क्लाइमेट का तो विनाश ही होना है ना अभी तो क्लाइमेट और भी विनाश हो जाएगा लोग श्वास नहीं ले पाएंगे और ऐसे ही मरेंगे इतना रोग डिसीज हो जाएंगे कि ऐसे ही मर जाएंगे हाँ दिल्ली में देखो ना कितना खराब है वायुमंडल तो किसने बनाया भूत भूतों ने बनवाया है ना तो नहीं ये मेरा ये भी क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग को आ, मतलब अब लोग कह रहे हैं कि नहीं दुनिया को कुछ नहीं होगा हो हो ग्लोबल वार्म कई पचास सालों से बोल रहे ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग अरे गोबर हो गया वो तो <laughs> ग्लोबल वार्मिंग का गोबर हो गया अभी भी ये यूए में था ना इनकी मीटिंग में सब सारे चालीस देश वाले इकट्ठे क्या किया इन लोगों ने गोबर फैला के आ जाते खा पी के कुछ नहीं करते हैं होना ही नहीं है कुछ इनसे कोई किसी की बात तो मानने को तैयार ही नहीं तो फिर क्या एजेंडा हम क्या बात करेंगे कोई एजेंडा ही नहीं है अभी तो ये तो सब ऐसा ही नाम टाइम पास कर रहे हैं अच्छा भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो भारत की तो करेगी ना वो तो ऑलमाइटी okay. खुद चाहता है कि भारत नंबर वन बने वो तो खुद उसने बोला है इंडिया विल बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड सभी प्रकार की चाहे आर्मी हो चाहे ग्लोबल ग्लोबली नंबर तो भारत के वायुमंडल में से रिमोट से केमिकल जो फैला रहे हैं आ, जिसे बारिश गिरा देते हैं जैसे कहते हैं कि चाइना वाला, वाला करते, करते हैं जैसे हैं। किया था उसने 2013 में किया था ना ऊपर केदारनाथ में अच्छा वो चाइना ने किया था अच्छा, अच्छा।, अच्छा। अननेचुरली ऐसा बारिश गिराई कि वहाँ का फिर वहाँ तो करते हैं चाइना वाले ओके तो भारत इसको रोकने के लिए क्या कर अभी भारत की थोड़ी पावर बहुत बढ़ जाएगी अभी अच्छा दुनिया जब तमो प्रधान होगा तो भारत में सतो प्रधान वायुमंडल में परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे बहुत अच्छा बन जाएगा भारत में बहुत अच्छा बनेगा हु, 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 मगर नेगेटिव भारत में नेगेटिव भी होगा भारत में भी लाशों के ढेर पड़ेंगे ऐसा नहीं होगा हाँ ऐसा नहीं होगा सिविल वॉर तो भारत में भी होना है अच्छा हाँ मगर परम शांति से हम रोक पाए तो जैसे दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो यहाँ भी सिविल वॉर होगा अच्छा हाँ क्योंकि ये जो धर्म के नाम पर धर्म करने वाले हैं तो वो तो सिर कलम काटने वाले ही हैं सब उनको रोकना पड़ेगा ये तो होना ही है तो बाबू जी यूएसए में आ, वोकेजम का एजेंडा चला रहे हैं इसमें जेंडर आइडेंटिटी में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इसका प्रोपगेंडा यूएस में स्कूल के बच्चों के ऊपर किया जा रहा है ताकि बच्चे मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ ये क्लासीफाई करने में ही कंफ्यूज हो जाए तो ये यूएसए के लीडर क्या मनुष्य नहीं है क्या इनका माइंड प्रोग्रामिंग के पीछे इनका कोई उद्देश्य है क्या ये बच्चे बच्चों को भूत नहीं बखसते है? एलियन करा रहे सब कुछ अच्छा सब कुछ एलियन करा रहे हैं में तो एलियन भरे पड़े हैं टोटल तो हमारे तो बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते फिर क्या करें? आ, मगर इनके साथ हमारे जो लोग रहते हैं इनके धर्म इनके धर्म के भूत वहाँ गए हैं अच्छा। हमारे जो लोग गए ना इनके धर्म के भूत वहाँ उनके घरों में रहते हैं इसलिए इनके घरों में एलियन नहीं है अच्छा। जैसे कोई इंडियन रहता है वहाँ तो उनके साथ उनके धर्म पिता धर्म गुरुओं की आत्माएं वहाँ गई हैं वो जो मंदिर बने ना अमेरिका में हमारे मंदिर बने हैं तो वहाँ वो धर्म की आत्माएं हैं सूक्ष्म जगत में तो वो एलियन वहाँ नहीं है बाकी क्रिश्चियनों के पास तो और वहाँ तो बहुत भरे पड़े अमेरिका में तो बहुत भरे पड़े जापान में एक मनुष्य ने सर्जरी से कुत्ता अपने आप को कुत्ता बनाया डायनासोर का वीडियो देखकर एक बच्चा खुद को डायनासोर की आत्मा कहने लगा भारत में एक औरत ने एक मिनट इतना देखो जापान ने जो क्या बनाया उसने डॉग बनाया हाँ एक, एक, एक बंदे ने सर्जरी करके ना अपने को कुत्ता बनाया तो उसका देखो कोई कुत्ते वाली आत्मा उसमें घुस जाती है मनुष्य में पावरफुल कुत्ता है और आत्मा तो है ना उसके अंदर वो घुस जाती है तो अपने आप को मनुष्य को भी कुत्ता बना देते हैं मन को खराब कर दिया ना अंदर नहीं तो सूक्ष्म शरीर में करके उसका मन खराब कर दिया ऐसी तरह वो दूसरा क्या है दूसरा यह था कि डायनासोर की वीडियो देख देख के एक बच्चा जो है अपने आप को डायनासोर हाँ तो बार बार मन उसमें जाएगा तो डायनासोर वाली आत्मा कोई होगी वो बच्चे के ओरे में आएगी होगी सूक्ष्म शरीर में आए होगी और बार बार वो दिखाएगी और फिर उसके मन को डायनासोर बना देगी एक हंसी की बात है लेकिन मुझे एक बंदे ने फोन करके बोला था कि मुझे ना ऐसा लगता है मेरे अंदर मगर की आत्मा क्रोकोडाइल की आत्मा हाँ कोई ना कोई आत्माएं तो सूक्ष्म शरीर में वायुमंडल में सभी हैं सभी प्रकार की आत्मा है क्यूँकी बाबू जी मैंने टीबी के में देखा था, एक बंदा ना की, तरह रहा था, एक बंदा शेर की तरह रहा। तो सभी धरती तो पर जो भी आत्माएं हैं अलग 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 कैटेगरी की आत्माए जो आप स्थूल वतन में देखते हो ना मनुष्य रूप में या जानवरों के रूप में जो वो सभी आत्माएं सूक्ष्म में तो है ना सूक्ष्म में स्थूल में आई है ना हाँ, तो सूक्ष्म में जो भी आत्मा है वो अपने दूसरों में उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके उनको मन को कंट्रोल कर लेते हैं और मन को कंट्रोल करके फिर अंदर कहेंगे मैं ये हूँ मैं मैं शेर हूँ मैं बकरी हूँ मैं गधा हूँ ये करें ऐसा कहते हैं ना कि ये तो एकदम डाउन कैटेगरी की आत्मा है तो ऐसे में हाँ तो मगर डाउन कैटेगरी के डाउन मनुष्यों में घुसती है ना ओके डाउन इतने मनुष्य देखते हैं ना डार्क उसका ओरा डार्क है तो कमजोर आत्मा है नेगेटिव सोच वाली उसके जैसी ही हैं तो उसमें घुसेगा वो अच्छा बाबू जी ये बताओ कि किसी आत्मा में भूत प्रवेश कर गया होता है तो वो तेल से गर्म गर्म उबलते तेल में हाथ डालता है पूरा नहा लेता है आँखें धो लेता है मतलब ये कैसे उसका पूरा सूक्ष्म जो शरीर होता है ना पूरा ओरे में ओरे हाँ। में ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देता है कि उसको ये तेल की गर्मी कुछ नहीं कर सकते कहीं मैंने हाँ वो होता है आग में क्या पूरा आग में जला दो आ, तो आग नहीं लगेगी आ, कपड़े में आग नहीं लग रही थी ना वो खुद शरीर में जैसे प्रहलाद को आ, होली में होली का जलन हुआ वो उसको कुछ नहीं हुआ ना नहीं हुआ। तो उसको वरदान था ना वरदान था तो ऐसी तरह अग्नि देव का वरदान था ना देवता तो ऐसे आज भी है सूक्ष्म में भी ऐसे आत्माएं हैं कि अग्नि की तरह चारों ओर फैल जाए उसको अग्नि कुछ नहीं कर सकता तो पर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि भी चलो उसको तो होली का वरदान था लेकिन आज के मनुष्य को कौन सा वरदान है, था? है आज के मनुष्यों के पास भी सूक्ष्म में तो जो लोग हैं हैं हाँ। सूक्ष्म में आत्माएं हैं इनके पास तो वरदान वाली आत्माएं बैठी है ना सूक्ष्म में वो उनको हेल्प कर रही है अच्छा वो उसके पूरे ओरे को ऐसा पावर भर देती है तो वो कितना भी गर्मी में वो जले तो भी जलेगा नहीं गर्मी में बिठा दो तो चार ओर आग लगा दो लगेगा नहीं हाँ है ऐसी सूक्ष्म में है ये आत्माएं वो उनको हेल्प करती है बचाती है उनको ओके okay. तो हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन uh, भी एक आता है कि, कि भारत में एक औरत ने सांप को जन्म दिया क्या ऐसा हो सकता है ये शायद गलत बात ये गलत बात, है। ये गलत बात है मुझे भी ऐसा लगता नहीं ये, ये संभव नहीं है वैसे। okay. वैसे, वैसे पहले पुरानों में हम सुनते थे कि मछली ने इंसान को रचा हाँ। मछली के पेट से इंसान निकला हाँ। ऐसे पहले होता था मगर आज की तारीख में ये सर्प जैसी आत्मा योनि मनुष्य के शरीर से पैदा हो है मेरे तो को नहीं, जल्परी नहीं। जल्परी भी होती है ना कि पानी के अंदर रहने वाली जल और रहने वाली जो जलीय परियां होती हैं तो वो उनसे वहाँ रहती थी पानी में रहती है घूमते हैं ये जल जो पहले परियां जो थी ना वो ऊपर से आती थी सागरों में यहाँ तो जलपरी का रूप धारण करती थी और वो घूमती फिर सागरों में घूमती फिरती थी मगर आज तक ये ये सब नहीं हुआ है आज नहीं है जल परी आज नहीं है एलियंस के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी जिससे वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक मनुष्य की आत्मा की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे डार्क एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं धरती पर ये किसका एजेंडा है लाइट को डार्क कैसे कन्वर्ट कर सकती है इसका साइंस क्या है देखो एलियन जो चाहे वो कर सकते हैं इनके पास ऊपर की ऊपर से आए हैं ना ग्रेट गेट यूनिवर्स से आए तो वहाँ की टेक्नोलॉजी लेकर आए ना उसमें दिमाग में तो वो टेक्नोलॉजी ऊपर वाली भरी है ना तो यहाँ के किसी भी मनुष्य को पकड़ के उसकी ऊर्जा को खींच लेंगे और उसकी ऊर्जा में नेगेटिव भर देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा ओरा को बदलना है ना और के ओरा में सूक्ष्म शरीर में बदलना है तो उसको मन को कन्वर्ट कर लेंगे ओरा बदल गया मन बदल गया बापू जी आपने एक वीडियो में ये भी कहा था बहुत पहले 2016 17 में कि भी जो परम तत्व के एलियन है वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते मगर उसके परम तत्व के एलियन है मगर उसके ऊपर अग्नि तत्व आ गया है ना तब तो दिखते हैं ना नहीं दिखने की बात नहीं है पर मगर कार्य करते हैं ना तो जो परम लाइट के परम तत्वो के होते हैं जैसे विष्णुपुरी में भी परम तत्वों की आधी दुनिया है आधा आधा परम तत्व फिर भी उसके अंदर माया 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 है ना माया तो है 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 वो तो ये में तो तो ब्रह्मांड में परम धाम तक माया, है माया है, तो ऐसे एलियनों में भी ऊपर के आवरणों में है परम तत्वो के अच्छा। मगर माया है आप गैलेक्सी के महा आप गैलेक्सी के महाविष्णु को देखो तो महा माया नहीं है वहां होगी तो वहां मैंने एक वीडियो में और भी तो कहा है ना कि उसके ऊपर आवरण आत्मा दस कला की है बीस कला की है मगर तो ऊपर के आवरणों में नेगेटिव भरा है तो उसके आवरण नेगेटिव के कारण ये वो दूसरी आत्मा को खा रहे हैं आत्मा दूसरी आत्मा को क्यों खाती उस पर पूरा वीडियो है मेरा क्यों खा रही औरजिनल लाइट तो नहीं खाएगी ना उसको नेगेटिविटी खाने की दूसरों को दुख देने की खाने की पीने की आई कहाँ से आवरणों से ना तो आवरण माना माया आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो मन है मन मन में माया है मन बुद्धि संस्कारों में माया है तो वो कर रहे हैं तो माया के भी एलियन भी मायावी हैं। क्या अलग अलग धर्म ये शैतान का एजेंडा है ताकि ह्यूमंस को डिवाइड कर करके कंट्रोल कर सके और ह्यूमन कभी परम सत्य को ना जान सके तीन हजार नौ सौ सालों से जो भी धर्म धरती पर आए हैं वो सब शैतानों का एजेंडा ही है अच्छा शैतान ही धरती पर आए सम अनेक धर्म और संप्रदाय है ना उसमें तुम सनातन को छोड़ दो बाकी सब शैतान का ही एजेंडा है धरती पर धरती पर धरती को कैप्चर करने के लिए ये इनका ही एजेंडा है सनातन सनातन के सिवाय मगर अभी सनातन को भी कैप्चर कर रहे हैं न लोग आके सनातन वालों को भी परिचर कर कैप्चर कर रहे हैं न लोग तो टीवी मोबाइल कंप्यूटर ये जो साधन है ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस के लिए है पर इन्हें इनके द्वारा कॉन्स्टेंटली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रिलीज़ होती है मीडिया को आ, कौन कंट्रोल कर रहा है इस वक्त ग्लोबली फ्रीक्वेंसी ग्लोबली फ्रीक्वेंसी डिवाइस और सैटेलाइट द्वारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी कैसे बंद होगी क्या इसका कंट्रोल पृथ्वी के बाहर है मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से ह्यूमानिटी को जगाने में डिले हो रही है तो इसका क्या तोड़ है देखो वायुमंडल में तो फोर जी भी जा रही है फाइव जी भी जा रही है पहले वायुमंडल अच्छा था ये जब नहीं था तो पहले टीवी भी नहीं था सिर्फ रेडियो स्टेशन चलते थे वो थोड़ा थोड़ा पर उससे नॉलेज शेयर नहीं होता था ना मगर जितना नॉलेज शेयर करते हो तो वायुमंडल में तो नॉलेज जा रहा है मगर नेगेटिव जा रहा है ना उसका नेगेटिव भी यूज होता है देखो हर कोई चीज में चाहे मोबाइल हो टीवी हो तो वायुमंडल में पॉजिटिव भी जा रहा है नेगेटिव भी जा रहा है तो पॉजिटिव आत्मा पॉजिटिव ले रही है नेगेटिव वाली नेगेटिव ले रही है मगर इसकी स्पीड बहुत बढ़ रही है फोर जी आया फाइव जी आया अभी सिक्स जी वाले करें चाइना वाले सिक्स जी पर आ गए हैं तो करेंगे नहीं इस दुनिया में वायुमंडल तो नेगेटिव बनाएंगे ना लोग जो बोलेंगे वो वायुमंडल में मल्टीपल हो जाएगा ना फाइव जी सिक्स जी सब तो नेगेटिव फैक्ट करेंगे तो लोगों के आगे फाइव जी से आगे निकला ना तो लोगों के जो सूक्ष्म शरीर है ना मनुष्यों को वो हार्म करेगा सूक्ष्म शरीर को वो जैसे आप सिक्स जी के ओ तुम्हारा मोबाइल फाइव जी का है तो वो तुम चालू किया हो रहा तो है ना वहाँ फाइव जी का रहा तो आ रहा तो है ना हुँ. तो तुम्हारे सूक्ष्म मनुष्य के सूक्ष्म ओर में वो घुसेगा ये फाइव जी वाला और वो सूक्ष्म शरीर को डैमेज करेगा लोगों को ब्रेन को डैमेज करेगा सूक्ष्म शरीर को डैमेज करेगा लोगों को ब्रेन को खराब कर देगा ये धीरे धीरे अभी ये होने वाला है चौबीस पच्चीस छब्बीस में ये धीरे धीरे इफेक्ट दिखाया जाएगा फाइव जी की सिक्स जी की फोर जी के थोड़ा रिएक्शन तो कम होता है फोर जी का नहीं होता फाइव जी का होगा फाइव जी के ऊपर हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था फाइव जी पर जबरदस्त होने वाला है और सिक्स जी जो आया ना वो तो बेड़ा गर्व सबका करेगा मान जाति का नहीं सभी का करेगा Okay. क्योंकि सूक्ष्म शरीरों में ये वो तुम 5G 6G यूज करते हो <गण> उसका वायुमंडल में से तो 5G 6G डेटा तुम्हारे पास आ रहा है ना <गण> वो डेटा तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घुसेगा सूक्ष्म <गण> शरीर में सीधा रिएक्ट करेगा सूक्ष्म <गण> शरीर से फिर धीरे धीरे डेटा तुम्हारे मन को प्राणमय शरीर को डिफेक्ट करेगा और मन को प्राण मन मन को खराब करेगा और लोगों के मन के अंदर डिफेक्ट करेगा मन खराब करेगा मन के अंदर जो भूलने की शक्ति है विषय विकार बढ़ा देगा और बहुत बढ़ेगा विषय विकार बहुत बढ़ेगा ये करेंगे फाइव जी वाले ओके okay. मिरर्स का क्या महत्व है मिरर्स में फ्यूचर की टाइमलाइन कैसे देखी जाती है एल्यूमिनरिटी इन मिरर्स में देखते हैं और टाइम को मनी पॉल्यू मनी पॉल्यूट करते हैं इसे आ, उन्हें जो फ्यूचर चाहिए वो क्रिएट कर करने के लिए आ, सारे ह्यूमन को अपने टाइमलाइन पर लाने के लिए ह्यूमन माइंड और कॉन्शसनेस को प्रोग्राम करते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी मनुष्य को किन एलियन ने दी है क्या ये एलियन क्या ये टेक्नोलॉजी आज भी एक्टिव है यही असुरों की टेक्नोलॉजी है सब मिरर का तो देख वैसे मिरर तो बहुत पुराना है सनातन में तो बहुत पुराना है ना मिरर

चलाने वाले ये सब नोटे बटे सब बंद करने वाले आने वाले समय अच्छा सारी दुनिया में से नोटे तो गायब करते हैं दुनिया को नोटे कौन प्रोवाइड करता है धन की धन का सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है छः सात लोग हैं धरती पर जिनके पास इतनी धन दौलत है कि आप पूछ नहीं सकते अच्छा ये ब्लू बीम प्रोजेक्ट में वो दुनिया को डराने के लिए स्काई में इमेज प्रोजेक्ट करते हैं उनका फेक एलियन इवेशन दिखाने का प्लान है इसे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन बताया जाता है इसे साइंटिफिकली कैसे समझे क्या ये सम्मोहन है देखो सूक्ष्म जगत वाले ये सब करा रहे हैं सम्मोहन विद्या के द्वारा एलियन जो हैं सम्मोहन विद्या के द्वारा लोगों को माइंड कंट्रोल करने के लिए ये सब कराते हैं ओके okay. किसी अवेकन आत्मा को डराने के लिए थ्रेटन करने के लिए बुरे मनुष्य के पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है ये वेपन्स इन विकृत लोगों के पास कैसे आए इवन 4G 5G के भी ऐसी फ्रीक्वेंसी रिलीज़ की जाती है जिस वजह से अच्छी आत्मा के मन की अवस्था स्थिर नहीं हो पाती तो वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पाते इतना साइंस का दुरुपयोग कैसे हो रहा है माइंड को कॉन्स्टेंटली अटैक किया जा रहा है यूथ की स्थिति खराब हो रही है सूक्ष्म में जो नेगेटिव आत्माएं बैठी हैं वो सब करा रहे हैं चाहे विनाश के साधन हो कि चाहे फोर जी हो फाइव जी हो तो ये सब विनाश के लिए सब करा रहे हैं ना तो सूक्ष्म जो जगत में विनाश के लिए जो आत्माएं बैठी हैं वो करा रही हैं इन्वेंशन और ये सब विनाश के लिए करा फिर क्या करे परम शांति परम शांति का ओहरा बना दे और क्या है इनके लिए तो परम शांति के सिवा कुछ भी नहीं है जब परम शांति आत्म स्वरूप में बनो बेहद के परमपिता से पावर लो और ओरा बनाओ परम शांति को तो, घर लाइट हाउस बना दो तो, उसमें कोई सब इफेक्ट नहीं करेगी का इफेक्ट एक ही है एक ही शब्द है सिर्फ परम शांति अर्थ का कंट्रोलर इंटरनेट का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि वो इंटरनेट के चार लेयर्स नीचे डार्क वेब पर सारे गलत काम वहाँ पे किए जा रहे हैं इंसान को पता भी नहीं है ह्यूमैनिटी इसके बारे में कब जागृत होगी देखो हर कोई के पहलू में नेगेटिविटी होती है ना तो इंटरनेट में भी नेगेटिविटी यूज तो होगी ना तो एकदम डार्क डार्क मैटर वो सब उसमें हो रहा है ना सब लोगों के वहाँ बेचे जाते विनाश के साधन बेचे जाते हैं लोगों को लोगों को मारते हैं तो मारने के सारे वहाँ दिखाते हैं सारी दुनिया में दिखाते देखो उसको मार रहे हैं हम तो ये सब नेगेटिव बहुत हो रहा है ऐसा शैतान मगर सुख शैतन करा रहे हैं ना ऐसा शैतान का क्या संस्कार है कि वो सारी गलत चीजें हिडन तरीके से ह्यूमन पर यूज कर रहे है शैतान बहुत पावरफुल है तो शैतान पावरफुल देखो शैतानी ताकतें पावरफुल हैं तब तो दुनिया पर शैतान की वैल्यू है ना अच्छा अच्छा इंसान को बचा है अभी मेरा क्या बहुत कमी मेरा क्या सब कुछ मेरा ही क्या है सही बात है ये होता ही कलयुग में शैतानी ताकत बहुत होती है छुप कर क्यों वार करते हैं? कायर, है? है, कायर होते हैं ये लोग कायर होते हैं अच्छा। शैतान अच्छा का... कायर होता है डरता है ना अंधेरे में ही शैतान पावरफुल होता है सूर्य की रोशनी में वो उसकी शक्तियां काम नहीं करती अच्छा क्या कृष्ण में झूठी लाइट दिखाई की दुनिया बनाई है नियर डेथ एक्सपीरियंस में ये लोग बोलते हैं कि भाई हम लाइट की टनल में जा रहे हैं और वहाँ पे वो जीसस है और वहाँ पे रियलिटी में ऐसी शैतान ऐसी लाइटें दिखा शैतन शैतान शैतान वाली, वाली आत्माए जो वहाँ क्रिश्चियनों में ही वो शैतान वाली है ना क्या नाम मानते हैं शैतान को हाँ तो वही आत्माएं उनको ऐसा दिखाते हैं बाकी वहाँ जिसे जिस जिस कोई बैठा नहीं है ऊपर सब बकवास कर रहे हैं शैतान दिखा रहे हैं सर शैतान कंट्रोल करते हैं ऐसी आत्माओं को क्या एलियन ने आर्टिफिशियल प्लेनेट लाइट लाइक प्लेनेट एक्स निबिरू बनाया है क्या ऐसा कोई प्लेनेट इन्होंने बनाया है ये कैसे बनाते हैं वहाँ आज कौन रहता है और कौन इन प्लेनेट को चला रहा है उनको ये एलियन को प्लेनेट बनाने की जरूरत नहीं है अच्छा वो अपना गोला बनाते हैं और उसमें सुख समोधन में रहते हैं अच्छा उनको प्लेनेट बनाने की जरूरत नहीं है ओके तो आजकल यूनिवर्स और सोर्स से कनेक्ट करने के मैसेज दिए जाते हैं कि भाई यूनिवर्स से कनेक्ट करो यूनिवर्स से करो लेकिन जब तक साकार में कनेक्ट नहीं हो पाते तो पावर कहाँ से मिलेगी तो ये मिस इन्फॉर्मेशन क्या कोई एजेंडा है ये नेगेटिव वायुमंडल को क्रिएट तो करने के लिए खिलाफ ही ये प्रचार हो रहा है जिसे सोर्स बता रहे वो कौन है देखो यूनिवर्स से पावर ले लो यूनिवर्स से ले लो यूनिवर्स को बनाने वाले से पावर लोगे तो मिलेगा ना तो वो हाँ ज्ञान तो यही कहता है ना अब तुम्हारा कारण शरीर में नेगेटिव वायुमंडल में इतना कारण शरीर नेगेटिव से भरा हुआ है अनेक धर्म अनेक जन्मों से आए हुए है तुम अरबों खरबों सालों से पहले परत की आत्मा है इतना पाप किया हुआ है इतना पाप असुर है आज और फिर यूनियो से मांगता है कि मेरे को ये दे दे ये दे दे गाड़ी दे दे बंगला दे दे कैसे मिल जाएगा क्या उसको अपने विकरम विनाश करने पड़ेंगे ये सब गलत सूक्ष्म में वायुमंडल में फैलाया जाता है नेगेटिव आत्माएं ये वायुमंडल में फैलाई जाती हैं जैसे थ्री डू टू फाइव डी अरे कैसे थे थ्री डी ने फाइव डी तुम ले जाओगे ऊपर थ्री डी क्या है फाइव डी क्या है फोर डी क्या है सिक्स डी क्या है तुम्हें इसका तो नॉलेज नहीं है तो उल्टा फुलटा ये वायुमंडल में सूक्ष्म जगत की आत्माएं फैलाते हैं बहुत लोग बाबू जी इसमें तो भटक गए हैं कन्फ्यूजन हो गए हैं ना सर बहुत कन्फ्यूजन कई सालों से थ्री डी फोर डी चल रही है ना हाँ तो लाइट पोर्टल खोल रहा है वो पोर्टल खोल रहा है वो पोर्टल खोल रहा है इसका क्या हुआ भाई कितने सालों से पोर्टल खोल रहा है हाँ सही बात है कितने सालों से कुछ नहीं है सब बकवास है ऐसी बातें नहीं जब तक आत्मास्वरूप बन के परमात्मा से पावर नहीं लोगे तब आत्माओं में पावर नहीं आएगी और पावर आएगी तो कारण से रिचार्ज होगा और सूक्ष्म से रिचार्ज होगा तब मन भी कारण से रिचार्ज हो जाएगा तब मन स्वस्थ बनेगा जब तक कारण शरीर के अंदर एक भी डेटा पड़ा है तो वो मन को डैमेज नहीं मन को डैमेज करेगा मन कारण शरीर के आधार से तो मन चलता है ना अब कारण शरीर को तो तुम्हें उसका डेटा रिमूव करना पड़ेगा तब मन मन अमन हो जाएगा ना तब आत्मस्वरूप बनोगे ना और जब तक आत्मस्वरूप नहीं बनोगे तो पावर आएगी नहीं बेहद के परम को याद करोगे तो पावर तो वो देगा मगर आएगी नहीं ना ले नहीं पाएगी ना आत्मा वो पावर तो देगा कैसे लोगे तो इसलिए आत्म स्वरूप बनने के लिए ये सब ये जो ज्ञान है नहीं ये सब और फैलेगा तीन सालों में ऐसा उल्टा फुलटा ज्ञान ये भूत प्रेत फैलाएंगे और वायुमंडल इतना हलचल में आएगा इतना लोग शांति के लिए शांति 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 चाहिए भाई शांति दो शांति दो मैं एक करोड़ देता हूँ मेरे को शांति दो आधे घंटे शांति चाहिए शान् एक करोड़ देता हूँ पैसे तो बहुत होंगे पाँच करोड़ का पड़ा है बैंक में बैलेंस शांति नहीं है हाँ हा, मेरे को भगवान मौत दे दे मौत दे दे मौत नहीं मिलेगा ऐसा हाल होने वाला है भगवान मौत दे दे मैं पाँच सौ करोड़ देता हूँ भगवान को भी रिश्वत मौत दे दे पाँच सौ करोड़ देता हूँ मौत नहीं मिलेगा अब जी आखिरी क्वेश्चन है क्या जो बेड एलियंस धरती को कंट्रोल करना चाहते हैं उनके पास सूर्य का लाइट खत्म करने की टेक्नोलॉजी है अरे एक सेकंड में खींच सकते हैं सूर्य की लाइट को पूरा सूर्य की अंदर एबसर्ब कर सकते हैं तो अपने मल्टीवर्स में इस टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग हुआ है पहले करते हैं पहले प्रयोग हुआ है क्या ये पहले पहले के मल्टीवर्स में या स्टार हमारी गैलेक्सियों में हमारी गैलेक्सियों में हमारी जो गैलेक्सी के स्टार हैं जैसे हुँ. हमने बोला ना आठ सौ अरब स्टार है हमारी गैलेक्सी में आकाशगंगा में तो उसमें स्टार तो एक ब्रह्मांड का एक सूर्य है ना तो ये सूर्य को हप कर जाते हैं ना जैसे हनुमान जी ने मुँह में पूरा सूर्य नहीं हप कर लिया था तो क्या गलत बात है क्या नहीं गलत बात तो नहीं है पर हम तो इसकी बात कर रहे हैं हाँ तो हब कर सकते हैं सूर्य को भी क्या पूरे ब्रह्मांड को हब कर जाते हैं पूरे ब्रह्मांड का जो परमधाम में एक कला वाली आत्मा है अगर दस कला वाली आत्मा अगर अपना माया जल फैला दे पूरे ब्रह्मांड के आसपास दस कला की पावर फैला दे पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर हो आ जाएगा अंदर महाब्रह्मांड है गैलेक्सी को एप्स कर सकते हैं और महापरमधाम में बीच में है ना जो ब्लैक सुपर मासिक ब्लैक होल है ना वो महापरमधाम है दस कला का पावर है परम लाइट है तो वहाँ जाके पंद्रह बीस कला की आत्माएं थोड़ी घुस जाए अंदर तो वो सारी एप, पावर एब्सॉर्ब कर लेगा और सब ग्रेविटी से खींचेगा तो पूरे महाब्रह्मांड गैलेक्सी को खा जाएंगे यूनिवर्स को खा सकते हैं ना सोलह कला के यूनिवर्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं ना चालीस पचास कला की आत्माएं मगर यूनिवर्स को नहीं करते गैलेक्सी तक आखिर में अपनी आत्माओं के लिए क्या है दिव्यात्मा स्वरूप आत्मा बनो बेहद के परमपिता से पावर लो और अभी से जागरूक तो अभी से शुरुआत करोगे तो आएगा बाकी ये कुछ काम में नहीं आने वाला इसलिए ज्ञान दान महादान करो सब कुछ जागृत हो जाओ बस स्वरूप ही काम में आएगा आत्मा की पावर ही काम में आएगी आत्मा की पावर की कमाई करो आत्मा की पावर जितनी तुम्हें मिलेगी वही तुम्हें काम में आएगी तो चलिए बाबूजी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए और सभी नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि हमारी मेन चैनल है बापू जी दशरथ भाई पटेल जिसमें साढ़े छः लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं वहाँ डेली मैं रात को दस से ग्यारह लाइव मेडिटेशन कराता हूँ हमारे एक और चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी चैनल है जिसमें साक्षी सुबह साढ़े पाँच से साढ़े छः बजे लाइव मेडिटेशन कराती है तो आत्मज्ञान की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट और पॉडकास्ट पॉडकास्ट भी, भी है के बीच आप देखिएगा हमारे एक और चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत जिसमें मैंने सौ से ज़्यादा आत्माओं के पॉडकास्ट लिए हुए हैं तो ये सभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जरूर से एक बार चेक करिए हमारी मेन वेबसाइट परम शांति डॉट ओ आर जी और वहाँ पर हमारी फ्री बुक भी अवेलेबल है लाइफ इन मल्टीवर्स जरूर से देखिएगा पढ़िएगा और शेयर भी करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद बेहद की, की परम यू बापू जी बहुत बहुत धन्यवाद मंडे टू सैटरडे 5 to 6 a.m. Join us daily for live meditation 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. at Like, share, subscribe. Join today.